मुझे जिस बात का शक था वही हुआ, इस इंसान ने इमोशनल गेम खेल लिया। देखिए, परेशानी हर किसी के साथ होती है, हर किसी के यहाँ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी दो कौड़ी का इंसान कह दें। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। आपने मेन बात तो छेड़ी ही नहीं कि आपने हमें दो कौड़ी का इंसान क्यों कहा, नीचे लेवल का इंसान क्यों कहा, राखी सावंत क्यों कहा। कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको दो कौड़ी का इंसान कहते हैं। अगर आपकी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप उसे कॉल करके धमकाते हैं, आप गुंडे हैं। वाह। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं हैकर नहीं हूं, ठीक है। आपके घर में कोई टीचर रहा, आपके आई एम श्योर आपके घर में कोई टीचर था, राइट? तो एक टीचर होता है प्राइमरी टीचर, जो बच्चों को ABCD सिखाता है, आई एम श्योर आपने सीखी होगी ना। और एक होता है प्रोफेसर, जो बच्चों को एडवांस चीजें सिखाता है। जो प्राइमरी टीचर होता है वो एडवांस चीजें इतनी नहीं जानता या वो नहीं सिखाता। तो क्या आप प्राइमरी टीचर को ये बोलते हैं कि आप टीचर नहीं है, आपको टीचर का टी भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं? अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप एक क्लास भी पढ़े हुए नहीं है, मुझसे लिखवा के ले लो। या तो आप नकल करके पास हुए हैं, या तो आप घूस दे के पैसे के दम पर पास होके इंजीनियर बने। किससे बात कर रहा हूँ यार, किससे बात कर रहा हूँ, जाहिल से बात कर रहा हूँ। तुम पढ़े लिखे गंवार हो, तुमसे बोल रहा हूँ मैं, तुम पढ़े लिखे गंवार हो। तुम्हारा थोपड़ा और तुम्हारा चैनल दोनों के 12 बजे हुए हैं। वो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। रही बात क्विट करने की, आपने बोला कि मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं है। अच्छा, स्ट्राइक नहीं है? आपको पता है मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई थी, उसके बाद एक स्ट्राइक हटी है, उसके बाद मेरी जो अपलोडिंग है 2 हफ्ते बाद शुरू हुई है। स्क्रीनशॉट देख सकते हो, अब भी स्ट्राइक है। मैं झूठ नहीं बोलता, आई एम श्योर आपके इतने बड़े चैनल पर अगर स्ट्राइक आ जाएंगी तो आप भी टूट जाएंगे और आपका भी वीडियो डालने का मन नहीं करेगा। बोलते मैंने 2 वीडियो डालता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूँ जिसने ऐसे किया है। आपने पहले ये भी कहा था कि मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूँ जो सिर्फ अनबॉक्सिंग करता है, रिव्यू नहीं करता। क्या आपने सारे चैनल देखे थे? क्या इंडिया के सारे चैनल आप देख चुके हैं, छोटे बड़े सारे? मेरे ख्याल से आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको बढ़ाई करने का बहुत शौक है अपना, और आप भगवान, अब भी भगवान बनना चाहते हैं, और आपको पता है कि पूरे YouTube पर आपका खुलासा खुल चुका है, आपकी वाट लग चुकी। आप बोलते हैं कि आप एक प्रोफेशनल सो कॉल्ड एथिकल हैकर हो और आपको ये नहीं पता कि वो वेबसाइट फेक है। आप भी एक टेक्निकल बंदे हैं, आपको नहीं पता कि विक्स की जो वेबसाइट सर्विस है कितनी खराब है? आपने एक बार भी मेंशन की इस बात को जब आप रिव्यू कर रहे थे? नहीं की, क्योंकि आपके मुंह में पैसे ठूसे गए थे। आप बोलते हो यूट्यूबर्स को बहुत सारे मेल आते हैं, मेल मिलते नहीं है, और बिजनेस मेल में सारे मेल सबको मिलते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। आपको भी जब पैसे ठूंस के किसी चीज के रिव्यू करने के लिए मेल्स आते हैं तो वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं और आप रिव्यू वीडियो बना देते हैं। वो लोग आपको ईमेल से ही तो कॉन्टैक्ट करते हैं ना, कॉल तो नहीं करते होंगे आपको। वो मेल्स तो आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपने मुझे कभी डायरेक्ट मेल नहीं किया क्योंकि आपके अंदर अकड़ और घमंड बहुत ज्यादा है। मेरी लड़ाई आपसे कुछ नहीं थी, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, सब थोड़ा गलत होते हैं, सब थोड़ा ठीक होते हैं। मैं भी दूध का धुला नहीं हूँ, आप भी दूध के धुले नहीं हो, लेकिन किसी इंसान को इतना नीचे गिराना, क्या मचा रखा है यूट्यूब पे आपने? कौन खुश है आपसे? एक इंसान बता दो कौन खुश है तुमसे? तुम्हारी सबसे लड़ाई हुई है, सबसे। मेरी हिस्ट्री देख लो, मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो गई थी, तुम्हारी किस किस से लड़ाई नहीं हुई? 1, 2, 3, 4 सबसे लड़ाई हुई, सब बेईमान है, तुम ईमानदार हो। दिन की वीडियो जो बनाता है ना, ये पहले से शूट करके रख लेता और शेड्यूल कर देता, और कहीं पब में डांस कर रहा होता है और ये तुम्हारी वीडियो सुना तुम्हें पब्लिश हो जाती है। ये है सच्चाई। और नशा तो तुम करते हो, ये सब जानते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, नशा करना अपना पर्सनल बात है, लेकिन तुमने मुझे राखी सावंत कहा, इसीलिए मैंने तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बता दी। और तुम बोलते हो कि YouTube सबके लिए सेम है, तुम्हारे लिए सेम है, हमारे लिए सेम है। हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हफ्ते हफ्ते भर रिप्लाई नहीं आता, 3-3 दिन तक रिप्लाई नहीं आता, और तुम्हें YouTube इंडिया से कॉल आ जाती है। आती है ना, इस बात को झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि तुम्हें YouTube इंडिया कॉल करती है। जो भी YouTube इंडिया के जो इंचार्ज हैं आके, वो तुम्हें कॉल करते हैं, ये सब जानते हैं। अब देख सकते हो, जब एक दो कौड़ी का इंसान सामने आता है ना, तो ये जितने भी बड़े ऊंचे हैं ना, कैसे ढह जाते हैं, और ढहते हुए आप देख रहे होगे। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे और मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं उनको तुम पब्लिकली सॉरी नहीं बोलते। अभी तुमने सिर्फ राखी सावंत को सॉरी बोला है, हमें तुमने जो बोला है हमें सॉरी नहीं बोला। अकड़ है इस इंसान की है। तुम इसकी वीडियो के कमेंट देखो, जब मैं बोलूंगा तो सब चुप हो जाएंगे, सब गला फाड़ रहे हैं। इनकी जो ये जो पिन किए ने कमेंट, उनमें देखो क्या लहजा लिखा है, बहुत गुस्सा और अकड़ दिखती है। लेकिन ये जो दोगला इंसान कैमरे के सामने आया ना, ये बिल्ली की तरह रोता हुआ आया। इसकी आंखें देखो, इसका मुंह देखो, इसके चैनल के स्टैटिस्टिक्स सोशल ब्रिड पे जाके देखो, क्या हालत है। पब्लिक पागल नहीं है? मुझे सॉरी बोलो। तुम रोल रहे ना, मैं जीत गया। अरे कम्युनिटी है जितनी भी यूट्यूब की, कोई खुश नहीं है तुमसे, मैं बता दूं कोई खुश नहीं है। तुम जनता को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, कोई यूट्यूबर खुश नहीं है, सब मेरे साथ हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम एक घटिया इंसान हो, समझे? और जितनों को तुमने खरीदा है ना, उनकी भी वाट लगाऊंगा।
मेरा चैनल आज डिलीट होता हो, कल डिलीट होता हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जब तक जिंदा हूँ तेरी वाट लगाऊंगा, जब तक तू सॉरी नहीं बोलेगा पब्लिकली तेरी वाट लगाता रहूंगा। मैं दूध का धुला नहीं, तू दूध का धुला नहीं, लेकिन मैं तेरी वाट लगाऊंगा। तूने मुझे राखी सावंत, तूने मुझे दो कौड़ी का इंसान, नीचे लेवल का इंसान कैसे बोला। चलने दो ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा फायदा उठाया गया, हमें नुकसान पहुंचाया गया, हमें गलत बोला गया, हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। किसी को गाली नहीं देना आपको, लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसको क्या करना है और किसको क्या दिखाना है। ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। I'm laughing because my motherfucking life is a mess, but I made it and I wouldn't trade it because I stay faded, fucking all the bitches till it look like we related.